आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको देश विदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रखते हैं। आज की बड़ी खबर RBI से है, जिसने डिजिटल पेमेंट और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और भी सुविधाजनक बनाने के लिए एक नई व्यवस्था की शुरुआत की है। आइए जानते हैं पूरी खबर। RBI ने फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC के ऑटोमेटिक रिचार्ज के लिए एक नई सुविधा पेश की है। इस नई व्यवस्था के तहत जैसे ही आपके फास्टैग का बैलेंस एक तय सीमा से नीचे जाएगा, वैसे ही अपने आप पैसा ऐड हो जाएगा। ये सुविधा ग्राहकों के लिए अधिक सुविधाजनक और बिना किसी रुकावट के पेमेंट करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करती है। लेकिन इस बदलाव की वजह क्या है? असल में साल 2019 में ई मैंडेट फ्रेमवर्क को लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर सेवा और सुरक्षा प्रदान करना था। इस फ्रेमवर्क में अब RBI ने फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC को भी शामिल कर लिया है। RBI के नए सर्कुलर के मुताबिक जैसे ही फास्टैग या NCMC का बैलेंस तय सीमा से कम होता है, ऑटो रिप्लेनिशमेंट ट्रिगर हो जाता है, जिससे आपके खाते से स्वचालित रूप से रकम जुड़ जाती है। इससे आपको बार बार मैनुअल रूप से रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ RBI ने जून 2023 में इस सुविधा की योजना बनाई थी और अब इसे औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है। इस ई मैंडेट ढांचे के तहत किसी भी पेमेंट से लगभग 24 घंटे पहले सूचना दी जाएगी, ताकि ग्राहक को पूरे ट्रांजैक्शन की जानकारी हो। हालांकि कई लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर यह ई मैंडेट क्या है, तो आपको बता दें कि ई मैंडेट यानी इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट एक ऐसी व्यवस्था है जहां समय समय पर निर्धारित पेमेंट्स के लिए स्वचालित मंजूरी दी जाती है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने जून 2023 में इस अपडेट का ऐलान किया था, जिसमें इस तरह की ऑटोमेटिक पेमेंट सुविधा की शुरुआत की गई है। देख जाए तो इस नई व्यवस्था से डिजिटल पेमेंट और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और अधिक सरल और सुरक्षित बनाने की कोशिश की जा रही है। RBI की यह पहल ग्राहकों को बिना किसी झंझट के लगातार सेवाएं देती रहेगी, जो कि इस डिजिटल युग में एक महत्वपूर्ण कदम है। आशा है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप हमारी ताजा अपडेट्स कभी मिस न करें।